हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। क्या कुछ नया दिख रहा है? नया क्या दिख रहा है? नया गेस करो, क्या नया दिख रहा है? आज मैं आप लोगों के साथ दो चीज शेयर करूंगी। एक तो आप देख ही रहे हो, ये बेड, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया था। नया पर्दा, इसके पीछे विंडो है। पहले सिर्फ चटाई के ऊपर मैट्रेस बिछाया था मेरे घर पे, एक साल ऐसे ही कटा, बट फाइनली मैंने एक बेड ले लिया। वो मैं बेड को आप लोगों को थोड़ा सा बैक कैमरा ऑन करके बाद में दिखाऊंगी। तो जो मेरा मैट्रेस था ना, उसी मैट्रेस के साइज का मैंने बेड लिया है। मैट्रेस पुराना वाला ही है, क्योंकि मैट्रेस जो है ना वो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मैं सिर्फ अकेली आती हूँ, तो मैट्रेस के ऊपर ज्यादा वो क्या होता है ना, अत्याचार नहीं होता है। घर पे बच्चा होता है तो बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, वो उधम कूद करता है ऊपर, मतलब जिसको जंपिंग बोलते हैं वो सब ज्यादा करते हैं, उसके वजह से मैट्रेस खराब होता है। फिर कुछ भी खाते हैं लिक्विड गिरा देते हैं, उसके वजह से खराब होता है। फिर रात को सुसु कर देते हैं, उसके वजह से खराब होता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, अकेली यूज करती हूँ। तो मेरा जो मैट्रेस है ना वो बिल्कुल नया है, थोड़ा सा चिपक गया है, मतलब पुराना हो गया है ना तो थोड़ा सा बैठ गया है। इसके अलावा उसके कपड़े वपड़े सब सही है, इसके वजह से मैंने मैट्रेस को उसको फेंका नहीं, वही मैट्रेस रहा। सिर्फ बेड जो मैं खरीदने गई थी ना, इसको ऑर्डर देके बनवाना पड़ा, क्योंकि इसका जो साइज है ना वो थोड़ा सा ऑड है। नॉर्मल जो साइज होता है 7-6 वो नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे ऑर्डर देके बनवाना पड़ा। और मैट्रेस का जो साइज है वो मैंने शॉप में जाके बोला, तो उसी के हिसाब से वो लोगों ने बना के दिया। और ये जो है वो पूरा स्टील का है, फुल स्टील एंड बॉक्स बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स खाट जिसको बोलते हैं ना वही है। मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो फाइनली बेड 2 दिन हुआ घर पे आया है, 2 दिन, बट 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि बेड में बहुत सारा काम था करने के लिए। बेड पूरा स्टील का है, बट इसमें 2 जगह प्लाईवुड दिया हुआ है, एक है नीचे एक है उसके ऊपर जहां मैं बैठी हुई हूँ, मतलब बॉक्स जो है ना वो प्लाईवुड में बना है और बाकी सब स्टील का है। तो जो प्लाईवुड है ना उसमें मैंने जो रुई लग जाता है ना लकड़ी में, प्लाईवुड में एक टाइम के बाद रुई लगेगा, जो कीड़ा लगता है लकड़ी वाला कीड़ा, तो उसके लिए एक मेडिसिन आता है लिक्विड वाला, वो वाला मेडिसिन मैं खरीद के लेके आई थी। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोनों प्लाईवुड में लगाया, फिर उसको सुखाने में टाइम लगा, सब कुछ करने के बाद मैंने मैट्रेस बिछाया, फिर ये चद्दर वद्दर लगा के बेड को मैंने रेडी किया। इसके वजह से मैं 2 दिन बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। जिस दिन बेड आया उसके बाद वाले दिन मैंने वो कीड़ा लगने वाला मेडिसिन लगाया, फिर वो दिन मैंने छोड़ दिया, वो सूखने में गया 1 दिन पूरा, उसके दूसरे वाले दिन बेड फेड मैंने बिछाया था। तो 2 दिन बाद आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी तो आप लोगों ने बेड देखा ही नहीं है, ये है सर के साइड में और ये है पैर के साइड में, और इसके साथ मैंने एक स्टील का चेयर भी लिया है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बट सबसे पहले एक और चीज दिखाती हूँ, वो क्या है, बहुत ही फेवरेट सा चीज है। एक्चुअली आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे गाना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है। मैं गाना अच्छे तरीके से गा नहीं पाती हूँ, बट जैसे भी गाती हूँ गुनगुनाती हूँ। तो मुझे ना ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए था, एक था खराब हो गया। तो कभी कभी होता है ना घर पे टीवी चला के जोर से गाना सुनने का मन करता है, तो यहाँ पे तो टीवी है नहीं और टीवी मैं देखती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो मैंने आज लिया बोट कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर, बोट स्टोन, क्या नाम लिखा है बताती हूँ, एक सेकेंड, बोट का ये वाला स्टोन 135, दिस वन आज ही आया है, बहुत दिनों से मन कर रहा था लेने का। मैंने ऑर्डर भी किया था, मैं घर पे नहीं थी तो ये रिटर्न हो गया था, इसको मैंने रीऑर्डर किया तो आया। ये रहा वो चीज, अभी मैंने इसको चार्ज पे लगा के रखा है, सी ब्यूटीफुल ना, बहुत अलग अलग कलर का था तो मैंने ये ग्रीन कलर का लिया। इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, कहीं पे भी हैंग करके छोड़ दो, ये बजते रहेगा। एक सेकेंड दिखाती हूँ, ऑन हो गया, कनेक्ट भी हो गया। गाना सुनाऊं? नहीं, गाना सुनाऊंगी तो फिर अभी केस खा जाऊंगी मैं फुल, है ना? तो यहाँ पे गाना नहीं सुनाती हूँ, एक मिनट, मैं अपना ही एक ब्लॉग
गाना नहीं सुनाऊंगी, वन सेकेंड। गाना सुनाऊंगी तो फिर गाना तो उसमें आ जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, मोनिटाइज नहीं होगा मेरा वो वाला वीडियो। तो मैं आप लोगों को एक चीज सुनाती हूँ। कभी कभी नेट इतना गंदा चलता है ना, एक मिनट, कोई भी कुछ भी एक चीज चलाना होगा, चलाती हूँ। ये वाला गाना मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पे मैंने दिया था, ठीक है, तो शॉर्ट्स पे मोनिटाइजेशन हुआ है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया, उसी को मैंने इसमें चलाया ताकि मेरा जो ये वीडियो है ना वो खराब ना हो, नहीं तो मोनिटाइजेशन ऑफ हो जाएगा इसमें, वो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कॉपीराइट वाला। सो ये रहा मेरा ब्लूटूथ। अब चलिए, ये कैसा लगा बोलिएगा जरूर। ये बहुत अलग अलग टाइप का था, जैसे जैसे टाइप अच्छा हो रहा है वैसा वैसा प्राइस भी ज्यादा हो रहा है, सो मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि ये सबसे लो प्राइस का है और अच्छा भी है, लाइट वेट है, गोल सा है, आप इसको बैग में करके कहीं भी लेके जा सकते हो। तो चलिए इसको रखते हैं, चार्ज में लगा देते हैं। एक्चुअली ये चार्ज में लगा हुआ था, थोड़ी देर पहले ही आया है। तो चलिए अब आप लोग को मैं बेड को अच्छे से दिखा दूंगी। ये जो साथ में लगा हुआ आप चेयर देख रहे हो ना, ये वाला चेयर मैंने लिया। चेयर लेने का रीजन है, चेयर जरूरत नहीं था बट जरूरत भी था। एक्चुअली घर पे एक स्टूल होना बहुत जरूरी है ताकि आप जब ऊपर में कोई काम कर रहे हो ना ऊंचा वाला, तो आपको स्टूल में चढ़ना पड़ता है। मैं प्लास्टिक का स्टूल लेके आई थी बट एक टूट गया, बहुत ही सीरियसली तरीके से टूटा था, मैं गिर भी गई थी। मेरा लक अच्छा है कि मेरा हाथ पैर नहीं टूटा था, और दूसरा वाला भी ना चरचर चरचर आवाज कर रहा है, इसी की वजह से मैंने ये स्टील वाला चेयर लिया ताकि इस पे खड़े होकर काम करूं ना, तो फिर ये टूटे नहीं, मैं गिरूं नहीं, तो सेफ्टी की वजह से लिया। और ये रहा बेड, ये देखो आप, नीचे ताला लगा हुआ है, दोनों साइड से इसको ओपन कर सकते हैं। और ये रहा बेड, इसके सर के तरफ का डिजाइन थोड़ा सा दिखा दूं, ये ऐसा ऐसा सर के तरफ भी है और बैक साइड में भी है। तो जो मैट्रेस था मेरा, उसी मैट्रेस के साइज से मैंने लिया बेड। देखा आप लोगों ने बेड, फाइनली बेडरूम पे अगर बेड ना रहे तो फिर बेडरूम इनकम्प्लीट, सच बात है। ये बेड लाने के बाद पूरे बेडरूम का लुक बदल गया, इतना प्यारा लग रहा है ना मेरा बेडरूम, अब क्या बोलूं। कभी आप लोगों को पूरा अच्छे से होम टूर का वीडियो दूंगी, मैंने कभी होम टूर का वीडियो नहीं किया है क्योंकि छोटा सा घर है, क्या टूर करूं। बट रंग होने के बाद घर को मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से सजाया है, बहुत मन कर रहा था घर को सजाऊं, तो अपने तरीके से बजट में रह के घर को सजाने की कोशिश किया। मैंने बहुत सारे सामान मैंने लिया है, कोशिश करूंगी सब आप लोग के साथ शेयर करने की, पहले पूरा सबको सेटल कर लूं। सब जगह पे सेटल नहीं हुआ है, बहुत सारा सामान आया है जो एक जगह पे रखा हुआ है, सेटल नहीं हुआ है, सबको एक जगह सेटल कर लूं, उसके बाद होम टूर का एक ब्लॉग दूंगी जिसमें आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी। बट फाइनली ये बेड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो ब्लूटूथ स्पीकर है कि आप लोगों ने भी ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है, अगर खरीदा है कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे मे बी 7 days का एक्सचेंज ऑफर दिया है, अभी तो ये बहुत अच्छा ही बज रहा है। अगर आप लोगों में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने ये खरीदा है और एक्सचेंज रिटर्न पीरियड खत्म हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट किया, बोट से मैंने लिया है और बोट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई प्रॉब्लम चेंज किया ना कुछ, अगर आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम फेस किया है ये बोट स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर के साथ तो मुझे बताइएगा जरूर, तो मैं इसको अभी रिटर्न कर दूंगी, तो ताकि आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यही पे ऑफ, ब्लॉग देखिए, बेड देखिए, ब्लूटूथ स्पीकर देखिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इतना ही, टाटा।